जय हिंद। देखिए आज क्या हो रहा है कि लगता है ट्विटर पर एक चीज़ हमें देख रहा है कि ट्रेंडिंग में मिला है देखने को, मोदी रोजगार दो। ठीक है, दरअसल ये हुआ क्या है, इसके पीछे विवाद क्या है। सबसे बड़ी कहीं ना कहीं हमें इसके पीछे बेरोजगारी नज़र आ रही है। अभी क्या हुआ है कि अभी हाल फिलहाल में ये जो मुद्दा उठाया गया है, ये SSC स्टूडेंट के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टम है जो सुनते होंगे। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ, उसमें 200 क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि हार्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए कि सेकेंड सिटिंग हुआ, उसमें क्वेश्चन इससे कुछ मतलब कि उसमें हल्का देखने को मिला। इसी तरह बहुत सा इसमें एग्जाम होता है, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है। तो किसी शिफ्ट में क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, और किसी में होता है क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, वो थोड़ा टफ होता है। तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के द्वारा ऐसा किया जाता है कि मान लिया जाए कि किसी किसी स्टूडेंट का इसमें क्या होता है कि जिसमें इजी क्वेश्चन था, अगर यहाँ अगर उसका नंबर अगर ज़्यादा आया, और जिसमें अगर लेवल अगर एग्जाम का उसमें क्या होता है कि अगर उसमें थोड़ा अगर हार्ड है, अगर उसका नंबर कम आया, तो आप 200 में, जरूरी नहीं है कि आप 200 में 200 नंबर ला करके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसमें और एक जगह क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई अगर कम भी नंबर लाया है, 150 भी नंबर लाया है, तो उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो नाइंसाफी है। ठीक है, ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रहा है। कोई स्टूडेंट 200 नंबर लाया और कोई 150 नंबर लाया, और वो जाकर के सिलेक्शन ले लिया 150 वाला, और 200 वाला के रोज़गार नहीं मिल पाया। तो भैया इसमें बताइए क्या होगा, अब 200 के जगह वहाँ 250 नंबर तो नहीं लाएगा एग्जाम में ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये मतलब कि हर हर गवर्नमेंट के इसमें भी रूल क्या है। देखिए सबसे बड़ा आक्रोश सभी जो युवाओं के जो जगह है, यह हमारे मोदी जी के पक्ष में है, आप कांग्रेस के पक्ष में है या BJP के पक्ष में है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको दिल से कीजिए। मोदी जी को मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारे युवा इन्हीं से प्यार किया, इन्हीं को चाहा। अभी तो मोदी जी का परिणाम यह हुआ कि लगातार 2 बार हम उनको PM बनते हुए देख रहे हैं। तो जो गुस्सा होगा स्वाभाविक है, वो मतलब कि हमारे जो केंद्र का जो प्रधान है उन्हीं के प्रति होगा। और देखिए स्टूडेंट जो होता है वो मतलब कि किसी स्टेट का स्टूडेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो स्टूडेंट हैं वो मतलब कि अपने स्टेट का ही लेवल तक का ही है, नहीं, स्टूडेंट है पूरा भारत है, अखंड भारत जो है, अखंड भारत में हम एकदम स्वतंत्र हैं। कहीं भी मतलब कि जो UPSC का एग्जाम होता है, कहीं से भी किसी भी स्टेट में जाकर के हम अपनी सेवा दे सकते हैं। तो सेवा तो तभी दे सकते हैं ना जब रोजगार होगा। तो इसमें अभी क्या है कि हर जगह मतलब कि यहाँ बहुत बड़ी मतलब कि इसमें समस्या देखने को हमें मिल रही है। होता क्या है, देखिए अभी SSC का, बिहार SSC का एग्जाम जो हुआ था, बिहार SSC का जो एग्जाम हुआ था, इसका फॉर्म 2014 में गया था, और देखिए 2021 होने वाला है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये 7 साल होने को है लेकिन अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट अभी तक ये नहीं आ पाया है। तो अब बताइए, हर साल तकरीबन 80 लाख स्टूडेंट जो होते हैं, 80 लाख स्टूडेंट ये क्या हैं, ये ग्रेजुएट होते हैं, ये ग्रेजुएट हो रहे हैं। और यहाँ है क्या कि यहाँ 80 लाख के जगह मतलब यहाँ 80,000 भी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, और बेरोजगारी बढ़ रहा है कहीं, तो इसे क्या हो रहा है, हमें समाज में अपराध देखने को मिल रहा है लगातार। ये बेरोजगारी बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं। और देखिए सबसे बड़ी एक डर क्या है, जो सीनियर स्टूडेंट हैं, अभी क्या देखने को मिल रहा है, जो सीनियर स्टूडेंट हो गए वो मतलब कहीं ना अभी वो रोजगार में नहीं जा रहे हैं। तो जो जूनियर स्टूडेंट है वो अपने सीनियर को देख करके वो भी अपने भय में है, और ये भय सिर्फ उन स्टूडेंट का भी नहीं है, उनके परिजन के प्रति भी लगातार भय है कि क्या होगा, फ्यूचर आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि जो वैकेंसी अधिक आनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मतलब कि 1 लाख के रोजगार दे करके एक व्यक्ति को रखिए, किसी 1 लाख पोस्ट के लिए, 1 लाख सैलरी पोस्ट के लिए आप एक व्यक्ति को रखिए। वहाँ ऐसे कीजिए ना कि आप मतलब कि 20-20 हज़ार के पोस्ट पर 20 हज़ार सैलरी दे करके 5 को रख लीजिए। नौकरी की संख्या अधिक होनी चाहिए और जो पोस्ट है उसकी भी संख्या भी लगातार अधिक होनी चाहिए। ठीक है, लगातार यहाँ विरोध ये देखने को मिल रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट से है कि इसमें क्या करना है कि मोदी #मोदी रोजगार दो, ये ट्विटर पर जाकर के
वहाँ ट्वीट किया होगा उसको रीट्वीट कर देना है, ताकि ये हमारी जो बात हो, हम सभी स्टूडेंट की जो बात है वो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाए। हमेशा कोशिश रहा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, और हम दिन रात इसके लिए प्रयत्नशील है, हमेशा कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हमें क्या है कि जॉब नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं दे रही है, जो भी वैकेंसी थी रेलवे में चाहे जो भी थी उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, जिससे क्या है कि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे, अरे मोदी जी कब करेंगे ये तो बताइए। ट्वीट करना ना भूले, #मोदी रोजगार दो। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस अभियान को आप लोग सफल बनाएंगे और अपने हक के लड़ाई में शामिल होंगे। धन्यवाद।